हिंदुओं की नगरी दारुल उलूम देवबंद ने संस्थान के छात्रों के लिए अनोखा फरमान जारी किया है। दारुल उलूम ने गणतंत्र दिवस के दिन छात्रों को न सिर्फ ट्रेनों में सफ़र नहीं करने की हिदायत दी है बल्कि ध्वजारोहण के बाद घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगाई है। निर्देश जारी करते हुए प्रबंध तंत्र ने कहा है, यदि बेहद आवश्यक हो तभी सफ़र करें और यात्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति से बहस न करें। उसमें दारुल उलूम देवबंद ने, जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर तलबा पढ़ते हैं, उनसे यही अपील की है कि 26 जनवरी के मौके पर जो है तलबा अजीज़ बिला ज़रूरत जो है ट्रेनों के अंदर सफ़र ना करें, और अगर ज़रूरत है तो सफ़र करके फौरन ही जो है दारुल उलूम देवबंद का रुख करें, दारुल उलूम देवबंद वापस आएँ। उसकी वजूहात दारुल उलूम देवबंद ने जो है ऐलान के अंदर यही लिखी हैं कि जगह जगह चेकिंग का सामना करना पड़ता है और यौम जमहूरिया के मौके पर चेकिंग होती है, तो कोई भी तलबा अजीज़ जो है किसी तरीके की दुर्घटना का शिकार ना हो, उसी को मद्देनज़र रखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने तलबा अजीज़ से अपील की है और साथ साथ में ये भी कहा है।